गांधी जी और सुभाष बाबू के बीच में कोई मनमुटाव नहीं था जी। देखिए मनभेद होते हैं जी, मतभेद नहीं थे जी जी जी। भारतीय राजनीति में दोनों एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते थे जी। मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता संबोधन पहली बार सुभाष बाबू ने ही दिया था जी, जी। जब सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से रेडियो पर भारत को संबोधित किया आजादी फौज के संघर्ष के दौरान, तो उन्होंने बापू से आशीर्वाद मांगा था और महात्मा गांधी जी ने उनको आशीर्वाद भी प्रेषित किया था। उनके बीच में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। मैं आपको देशवासियों को सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि हमारे दो फर्जी विश्वविद्यालय हैं देश में, फेसबुक यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वहां पर इस प्रकार की बातें फैलाई जाती हैं कि दोनों के बीच में मतभेद था। मतभेद नहीं था, दोनों एक दूसरे का हृदय से बहुत सम्मान करते थे। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में कोई मतभेद नहीं था जी। गांधी जी और सुभाष बाबू के बीच में कोई मतभेद नहीं था, सरदार पटेल और नेहरू जी के बीच में भी कोई मतभेद नहीं था। ये तो फर्जी विश्वविद्यालय में उड़ाई गई इतिहास संबंधी बातें हैं जिन पर आप जैसे विद्यार्थियों को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए।